हम तो दुनिया की सबसे अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, तो ये क्या हो गया? देश प्रेम ये कतई नहीं होता है कि नहीं नहीं, नहीं। हम जबरदस्ती अपनी तारीफ करते हैं, बल्कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। वी हैव टू बी द बेस्ट। तो आपको समझना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश ने अपने आप को कैसे मैनेज कर लिया कि वो इतनी जल्दी फास्ट ग्रो करने लग गया। नमस्कार, साक्षी जोशी आपके साथ। और जब से IMF के प्रोजेक्शन सामने आए हैं और ये बात सामने आई है कि भारत अब जो ग्रो करेगा वो नीचे की तरफ जाएगा 10%, और बांग्लादेश 4% ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, तो सबके मन में ये सवाल आ गया, हम तो दुनिया की सबसे अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, तो ये क्या हो गया? तो इसको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आप अगर देश से प्रेम करते हैं ना, तो इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। देश प्रेम ये कतई नहीं होता है कि नहीं नहीं, नहीं। हम जबरदस्ती अपनी तारीफ करते रहें, दूसरा चाहे आगे ग्रो हो जाए, उसको मानना नहीं है। इससे आपका देश हित साबित नहीं होता है, इससे बल्कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में और हमेशा चिंतन करते रहें। वी हैव टू बी द बेस्ट, और ये करने के लिए हमें हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहनी पड़ेगी। तो आपको समझना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश ने अपने आप को कैसे मैनेज कर लिया कि वो इतनी जल्दी फास्ट ग्रो करने लग गया, जबकि वो ऐसा नहीं था, हमसे आगे नहीं था। तो सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि जब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश था, तब शुरुआत में उसकी नई ग्रोथ हो रही थी, और इसीलिए बांग्लादेश अलग होना भी चाहता था। लेकिन जब से 1971 के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक तो अपने लेबर लॉज स्ट्रिंजेंट बिल्कुल नहीं रखे, बहुत इजी कर दी। साथ ही जो इकोनॉमी थी उसके अंदर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, उनको उसके अंदर शामिल करना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है, इट्स डूइंग ट्रिमेंडसली वेल, और उनकी गारमेंट इंडस्ट्री उनको आगे ले जाने में बहुत मदद करती है, उनका एक्सपोर्ट आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है, और इसका श्रेय बहुत हद तक, बहुत एज जो मिला है वो विमेन पार्टिसिपेशन से मिला है। चार्ट आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। वहीं बांग्लादेश की जो GDP है, देखिए बांग्लादेश और भारत की GDP में जो फ़र्क है वो एक इस तरह से है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज़ एग्रीकल्चर, कृषि। हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। हमारे देश की कृषि की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हम उसको इस लेवल का नहीं बना पा रहे कि उससे रिटर्न बहुत अच्छा मिले, रेम्यूनरेटिव नहीं है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारी कृषि पर डिपेंडेंट है। वहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वो बहुत हद तक डिपेंडेंट, मतलब उसका जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है सर्विसेज सेक्टर। तो दोनों को जब आप मिला लेते हैं तो बहुत सारी जॉब्स बनती हैं, और साथ ही रेम्यूनरेशन यानी पैसा जो बनता है, जो पैसा मिलता है मासेस को, वो ज़्यादा मिल पाता है उसमें रहकर। वहीं पर आप अगर देखें कि पिछले 2 दशक में बांग्लादेश ने कई अदर इंडिकेटर्स पर, कई अदर फैक्टर्स पर अपने आप को बहुत ग्रो किया है, जो कि सोशल और पॉलिटिकल मैट्रिक्स हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, सैनिटेशन साफ सफाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन कि कितने लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल किया जाना चाहिए, महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ों में बांग्लादेश पिछले 2 दशक में यानी 20 साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। अब आप जैसे एक चीज़ ही समझ लीजिए कि जो बेसिक सैनिटेशन का एक्सेस है वो बांग्लादेशियों के पास हमारे यानी भारत के तुलना में कम है, लेकिन उसके बावजूद जो खराब पानी और गंदगी की वजह से जो मौत होती है वहां पर, जो मोर्टैलिटी रेट है वो भारत से कम है। तो एक्सेस हमसे कम है लेकिन मौत हमसे कम हो रही है। उसके अलावा आपको बताऊं, एक ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस है जिसने ये सामने रखा कि बांग्लादेश और भारत की तुलना में जो बैंक अकाउंट्स है, हमारे पास ज़्यादा बैंक अकाउंट्स है देन बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास भले ही बैंक अकाउंट कम है, लेकिन जो प्रोपोर्शन ऑफ डॉर्मेंट बैंक अकाउंट है यानी जो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम है हमारी तुलना में। यानी हमारे पास डॉर्मेंट अकाउंट ज्यादा है और बांग्लादेश के पास एक्टिव अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं, ये उसको बहुत मदद कर रहा है आगे ले जाने में। बांग्लादेश जो है वो जेंडर पैरिटी रैंकिंग्स जो हाल ही में सामने आई है उसमें भारत से बहुत ज्यादा, आपको पता है टॉप मतलब 154 देशों में बांग्लादेश टॉप 50 में आता है और भारत की रैंकिंग 112 है। तो यानी आप समझ रहे हैं जेंडर पैरिटी कि हम महिला और पुरुष को कितना बराबरी का दर्जा हर चीज़ में दे रहे हैं और उनको कितना ज़्यादा एक साथ लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ हों, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों, एजुकेशनल अटेनमेंट हो, कितना वो लोग पढ़ रहे हैं, हेल्थ, साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम पुरुषों और महिलाओं को कितनी बराबरी के साथ मुहैया करा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। उसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स और ये सारी चीज़ें भी हैं, मैटर है। देखिए ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के पास चुनौतियां नहीं हैं, बांग्लादेश अभी भी ज़्यादा गरीब है हमसे, वहाँ पर भी करप्शन का बहुत मेजर इशू है,
वहाँ एक दूसरे के ऊपर वायलेंट ऑपरेशन बहुत ज्यादा है, कई सारी चीजें हैं जिससे उबरने की बांग्लादेश को जरूरत है। लेकिन बांग्लादेश और भारत, अगर आप ये कहेंगे कि आने वाले समय में क्या भारत बांग्लादेश को टेक ओवर नहीं कर पाएगा, टेक ओवर इन द सेंस कि हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। हम पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसा कोई पहली बार नहीं है। 1991 में आपको याद होगा तब हमारी जो GDP थी वो ग्रो करी थी सिर्फ 1% से, और उस टाइम पर बांग्लादेश ने हमें पीछे छोड़ दिया था। लेकिन हम वापस आए, हमें पॉलिसी चेंजेस करने पड़े और हम वापस आए। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ है कि बांग्लादेश को हमने अपने से ज़्यादा ग्रो करने दिया है? जैसे उसको अगर मेरे सिर्फ हाथ की इन दोनों हाथों से समझिए, मान लीजिए कि ये भारत है और ये बांग्लादेश है। आप ये कह सकते हैं कि भारत जो है पहले ऐसे ग्रो करता था और बांग्लादेश ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा था, ऐसे तो स्पीड कम थी। 2017 तक आते आते क्या हुआ, हम लोग ग्रो ऐसे करने लग गए और ये बांग्लादेश ज़्यादा आगे निकलने लग गया। ये सो दिस इज द डिफरेंस दैट इज कमिंग आउट। हमें बांग्लादेश, हम उसको कितना भी उसको पीछे छोड़ जाए, लेकिन हम उसके साथ हमेशा नेक टू नेक रहने वाले हैं। बांग्लादेश हमें नेक टू नेक फाइट देने वाला है। हमें ये समझना है कि आखिर हमने इतना बड़ा गैप, इतना चौड़ा गैप आखिर इतनी जल्दी कम कैसे कर दिया है, और बांग्लादेश इतनी जल्दी आगे ग्रो कैसे करने लग गया है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस। वी आर ऑल पेट्रियॉट्स, और पेट्रियॉट की सबसे बड़ी और एकमात्र जो उसकी खूबी होती है वो ये कि अपने देश को हमेशा बेहतर बनाने की तरफ सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम ही सबसे बेहतर हैं और हर चीज़ को देखकर आंख मूंद लें। वो पेट्रियॉट्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप पेट्रियॉट हैं, समझिए, अपने देश को आगे बढ़ाने की तरफ हमेशा काम करते रहिए।